सबका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि 2018 में मेष राशि का नवंबर का जो महीना है वो कैसा जाएगा। मतलब एक्चुअली में हम आपको 2018 के नवंबर का राशिफल बता रहे हैं मेष राशि वाले। मेष राशि का अर्थ होता है आंतरिक ताकत, सहज ऊर्जा और आत्मविश्वास, मतलब कॉन्फिडेंस। नवंबर महीने में सूर्य वृश्चिक राशि में संक्रमण करेगा, तो इस राशि वालों के लिए महीना सामान्य नहीं कहा जाएगा। अपने प्रिय के साथ आप अच्छी तरह से बर्ताव करें, ये आपके लिए बेहतर है। मुश्किल हालत से उबरने में आपके जीवन साथी की तरफ से ज्यादा सहयोग आपको हासिल नहीं होगा। परिवार के साथ आप शॉपिंग पर जाना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन शॉपिंग जो है वो जेब पर भारी पड़ सकता है, तो जेब पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। दोस्तों का रुख सहयोगी रहेगा और वे आपको खुश रखेंगे, इतने तो डेफिनेट है। जो फलादेश है नवंबर का 2018 का मेष राशि वालों, ये इंगित कर रहा है कि यदि आप सुखमय वैवाहिक जीवन चाहते हैं तो आपको इस महीने एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना होगा। परिवार से जुड़ा कोई भी निर्णय लेने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लें। ज्योतिष विज्ञान और गूढ़ विज्ञान जैसे विषयों से जुड़े लोगों के लिए ये जो समय है बहुत अच्छा रहेगा। बेहतर कार्य के लिए आपको प्रशंसा और पुरस्कार भी प्राप्त होगा, बस आप अपना कर्म करते चले जाइए। जो लोग मेडिकल रिसर्च का कार्य कर रहे हैं तो उन जातकों को एडवांस स्टडी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। इस महीने आर्थिक उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे आपको मेष राशि वाले। किसी नए कार्य में निवेश करने से और उधारी और ऋण लेने से बचें। नवंबर का महीना उधारी देना और लेना दोनों ही अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। ग्रहों की चाल इशारा करती है कि आपके व्यक्तिगत प्रयासों की बदौलत आपको कुछ अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपकी आमदनी में वृद्धि होगी और आपको आय के जो साधन है वो अलग अलग जगह से प्राप्त होंगे। सूचना आपको है कि आपको इंप्लीमेंट करना है या नहीं करना है। नवंबर के महीने में आपके पिता के सेहत में गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर पिता के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो प्रभावित भी हो सकते हैं। अगर हम मोटा मोटी सिर्फ आर्थिक पक्ष की बात करें तो नवंबर का जो महीना है वो माह आपके लिए ज्यादा कुछ अच्छा नहीं रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो ज्यादा कोई समस्या वाली बात नहीं है, पर कफ की जो समस्या है उससे आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। व्यापार के जो नए जो स्रोत हैं देखा जाए तो ये मंदी का समय रहेगा आपके लिए। नौकरी वालों के लिए थकावट का समय कह लीजिए। वैवाहिक स्थिति अगर हम एक लाइन में कहें तो वैवाहिक जीवन में यदि आपने अपने जबान पे कंट्रोल नहीं किया तो आपकी जो उलझने हैं वो बढ़ेगी। अगर हम लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो प्रणय संबंध में खुशनुमा माहौल बनेगा, ये डेफिनेट है। यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको यूं समझ लीजिए कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।